का वीडियो जो है वो पूरा गुड न्यूज से भरा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते थे कि सभी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं यूट्यूब पे, उनके लिए जो क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का वो था 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस आपका या तो 4000 वॉचर्स या फिर 10 मिलियन आपके शॉर्ट व्यूज, ठीक है। तो अब जो है ये मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो यूट्यूब कम कर रहा है, तो गुड न्यूज़ है आज के वीडियो में। आइए देखते हैं कि कब पहले क्या इसके सिनेरियो था, अब क्या है एंड कैसे वो चेंजेस करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया था पहले और अब क्या क्राइटेरिया हो गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फेब्रुअरी, इस साल के फेब्रुअरी में यूट्यूब ने शॉर्ट्स को भी मोनेटाइज कर दिया था एंड तब उन्होंने एक काइंड ऑफ प्रॉमिस भी किया था कि जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो उसको लोअर डाउन भी करने वाले हैं। हम ये वीडियो आज शूट कर रहे हैं 14 जून को एंड आज के दिन में आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये ऑलरेडी कहाँ कहाँ पर उन्होंने जो क्राइटेरिया है वो कम कर दिया है, नया क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इन्होंने US, UK, साउथ कोरिया, ताइवान और कनाडा में ऑलरेडी इन्होंने ये जो अपडेट्स है वो ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं। अब ये इंडिया में कब आने वाला है तो वो जानते हैं। तो ये जानने के पहले कि क्या अपडेट आया है, पहले ये जान लेते हैं कि पहले क्या सिनेरियो था। तो पहले आप अगर जानते होंगे तो मोनेटाइज करने के लिए आपको 5 फीचर यूज करने के लिए आपको ना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था। तो ये 5 जो फीचर थे जिनको आप यूज कर सकते थे, सबसे पहले जो होता था आपका वो था वर्ड पेज ऐड। उसमें क्या था कि जो भी आपके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस होते थे उसमें जो एड्स आते हैं उनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उनको मोनेटाइज कर सकते थे। सेकंड था आपका शॉर्ट फीड ऐड, जो आपके शॉर्ट्स के आता है उसमें अगर वो एड्स आते थे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते थे, करेक्ट। और थर्ड जो था वो था आपका मेंबरशिप का, जो ज्वाइन का आता है। आप बहुत से वीडियोस में आपने देखा कि वहाँ पे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होता है, करेक्ट, मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, तो उसके थ्रू भी आप वहाँ पे मेंबरशिप दे सकते थे, वहाँ से आप मोनेटाइज कर सकते थे। एंड फोर्थ जो आपका होता है सुपर्स का, सुपर्स जो है वो आपका या तो सुपर चैट हो सकता था या फिर सुपर थैंक्स हो सकता था। आपने देखे होंगे बहुत से कॉमेंट्स वगैरह में भी कि वहाँ पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता था, करेक्ट। इसके अलावा जो फिफ्थ ऑप्शन था वो है शॉपिंग का, शॉपिंग का जहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट किसी और के प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते थे एंड कोई भी बायर जो है वो वहाँ से ले सकता, आपका जो भी व्यूअर है वो वहाँ से परचेज कर सकता था। आपको ये 5 फीचर यूज करने के लिए आपको ना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था। तो पहले जो क्राइटेरिया था वो ये था कि आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, करेक्ट। अब उसको यूट्यूब ने कम करके 500 सब्सक्राइबर्स कर दिया है। इसके साथ में आपका जो है आपके 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए आपके पेज के ऊपर, अब इसको जो है वो उन्होंने कम करके उन्होंने डायरेक्टली 3000 वॉच आवर्स कर दिया है। थोड़े टाइम पहले बताया कि उन्होंने फरवरी में शॉर्ट्स को भी मोनेटाइज किया, तो जब उन्होंने मोनेटाइज किया उन्होंने क्या रखा था कि 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए, अब इसको भी उन्होंने कम करके कर दिया है 3 मिलियन व्यूज के आसपास। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा उन्होंने हमारे लिए जो पैरामीटर्स थे उन्होंने काफ़ी कम कर दिया हमारे लिए, ताकि मोनेटाइजेशन करना काफ़ी आसान हो जाए हमारे लिए भी, हम जो पैरामीटर्स हैं वो हम उनको टच कर सकें। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड साथ में ही आपके लास्ट 90 डेज में आपके जो पेज है उस पर जो है आपके अराउंड 3000 आपके वॉच आवर्स हो गए या फिर आपके 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज हो गए 90 डेज के अंदर। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की ये है कि आपके लास्ट जो 90 डेज है उसमें 3 वीडियोज होने चाहिए मिनिमम और कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। तो ये आपका अगर मान लीजिए ये आप फर्स्ट बैच जो अगर आप रीच कर जाते हैं तो आपके लिए 3 फीचर्स ओपन हो जाएंगे। उसमें से है सबसे पहले मेंबरशिप का, कि आप मेंबरशिप जो है उसको आप ऑन कर सकते हैं, आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। सेकंड जो इन्होंने दिया है वो है सुपर्स का, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, ये आपके लिए ओपन हो जाएगा, उसके थ्रू आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड जो रहेगा वो आपका होगा शॉपिंग का, तो शॉपिंग वाला जो फीचर है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगा जैसे आप ये फर्स्ट बैच जो है वो आप रीच कर देंगे। अब आप मान लीजिए ये आपका हो जाता है 3 फीचर आपके अनलॉक हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अकाउंट के ऊपर आप काम करते रह सकते हैं। जैसे ही आपका जो पुराना वाला है जो कि पूरा आपका बैच है, कि मतलब पूरा पैरामीटर है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रीच होता है, अगर आप ये रीच कर जाएंगे तो बाकी के जो फीचर्स हैं वो भी आपके अनलॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी एक रियायत दे दी है यूट्यूब ने अभी यहाँ पे सभी को कि आप
आप पहले अगर आप फर्स्ट बैच रीच करेंगे तो आपको कुछ फीचर्स जो है वो अनलॉक हो जाएंगे एंड धीरे धीरे आप उस पर वर्क करते रहिए एंड बाकी के जो फीचर्स बचे हुए दो हैं वो भी आपके जो शॉर्ट फीड एड्स है या फिर जो एंड जो वॉच पेज एड्स है वो भी आपके अनलॉक हो जाएंगे। तो ये एक हमें काफ़ी अच्छा देखने मिला कि YouTube ने पहले जो है फर्स्ट बैच एक लगा दिया कि हाँ वहाँ पे आप इतना रीच कर लीजिए एंड आपके तीन फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे, आप वर्क करते रहिए, फिर बाद में जो है आप अगर पहले वाला क्राइटेरिया रीच कर जाएंगे 10 मिलियन प्लस 4000 या फिर 4000 वाला 90 डेज में, तो फिर आपके बाकी के जो दो फीचर्स हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे। तो हम सभी को तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे। आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे ईमेल के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी ओपिनियन रहेगा हम उसको ज़रूर जानना चाहेंगे। ये जो फीचर है वो इंडिया में काफ़ी जल्दी ही रोल आउट होने वाला है, तो हम सब तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आप हमें ज़रूर बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं इसके लिए। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।